स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट एकेडमी में। आज जो हम डिस्कशंस करेंगे वो है हमारा चैप्टर थर्ड सीबीएसई क्लास का 10th इंग्लिश वालों के लिए। और इसमें हम जानेंगे, जो चैप्टर हम पढ़ेंगे बच्चों वो हम टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग के बारे में हम जानेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता होगा बच्चों कि हमारा भी हर एक किसी बच्चे का और उनकी लाइफ में एक डिज़ायर होता है, तो वैसे ही इस स्टोरी में भी दो ऐसी स्टोरी दी गई है। एक तो पायलट होता है और एक सीगुल्स बर्ड्स होती है जिनका भी एक डिज़ायर होता है कि उड़ना। तो वो फ्लाइंग की दो स्टोरी है जिसको कि हम आसानी से जानेंगे। फर्स्ट जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब पहली बार जब उसने उड़ना सीखा सीगुल ने, और उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेसिस करनी पड़ी वो उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट स्टोरी, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया हो तो कृपया जाके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और सबसे पहले हमारी वीडियो को देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। बिफोर यू रेट, तो हम इसमें क्या क्या चीज़ जानेंगे। आ यंग सीगुल्स, जो एक यंग सीगुल्स एक पंछी होता है वो आपको मैं दिखाऊंगा अभी पिक्चर्स भी। इज़ अफेयर टू फ्लाई, वो डरने से उसको बहुत डर लगता है क्योंकि वो छोटा होता है। और हाउ डज ही कंक्योर हिज फियर, वो किस तरीके से अब वो उड़ना सीखता है अपने पंख को हवा में, पंखों को कैसे हवा को काटता है पंखों से, तो वो कैसे करता है वो हम इस स्टोरी में जानेंगे। और सेकंड स्टोरी बच्चों हम इसमें क्या है, एक पायलट है, ही अ पायलट इज़ लॉस्ट इन अ स्टॉर्म क्लाउड, वो अपना पायलट क्या होता है वो स्टॉर्म क्लाउड में वो क्या होता है गुम हो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफ वापस आएगा। हु हेल्प्स हिम, वो उसकी मदद कौन करेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों हम जानेंगे। अब आके जानते हैं बच्चों कि स्टोरी में है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको ये पिक्चर्स दिखा देता हूँ कि ये जो सीगुल्स बर्ड्स है वो देखो इस तरह का है, और जो हीज है कोने में, तो उनकी माँ फादर और उनकी ब्रदर सिस्टर जितने भी वो सारे उड़ जाते हैं, लेकिन वो उसी हीज पे समुद्र के किनारे वो वहीं पे रहते हैं क्योंकि उसको गहराई से बहुत ही डर लगता है और वो उसी डर के कारण वो उड़ नहीं पाती सीगुल्स पंछी, ठीक है ना, जो बेबी बर्ड था। और बाकी उसके जितने ब्रदर और सिस्टर्स हैं वो सारे उड़ जाते हैं, फ्लाई कर जाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं लीज क्या है बच्चों। लीज द नैरो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द वॉल, हियर इज द क्लिप, मतलब कोने का। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लीज, वो अकेला था। हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले वो उड़ गए। ही हैड बीन अफेयर टू फ्लाई विथ दैम सम हाउ वैन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिक ऑफ द लीज एंड द अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकम अफेयर, जैसे ही वो कोने पे पहुँचता और उसको एकदम से डर लग जाता है और वो उड़ नहीं पाता, और उसके जितने भी जो भाई हैं और बहन हैं वो उड़ जाते हैं। आगे अब जानते हैं क्या होता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेचेस डाउन बिनेट दे, इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, वो बहुत मील डाउन होता है और वो उसको देख के ही डर लग जाता है कि वो कैसे उड़ेगा। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको ऐसा फील होता है कि उसके जो विंग्स हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में। तो सो ही बैंड हिज हैड एंड रन अवे बैक, वो दोबारा पीछे दौड़ता है और लिटिल होल अंडर द लीज, और वो वहाँ पे जाके सो जाता है। आगे इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ऑन, जो इसके भाई और जो बहन हैं उनकी जो विंग्स होते हैं इनसे भी छोटे होते हैं। रन टू ब्रिंक फ्लैप दियर विंग्स, और वो क्या करती है वो ब्रिंक करती है और वो क्या करते हैं हवाओं को मदद चीरते हुए वो हवा में उड़ते हैं आसमान में।
एंड फ्लू अवे, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। ही फेल्ड टू मास्टर्स बट करेज टू टेक एंड प्लग विच अपेयर टू हिम सो डिस्ट्रेट। वो सोचता है कि हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। वो वहाँ पर आते हैं, उसके मम्मी और पिताजी आते हैं और वो क्या करते हैं, उसको प्यार से क्या बोलते हैं, हे श्रीली अपब्रीडिंग हिम द थ्रीडिंग टू लेट द स्ट्रेप ऑन द लीच अनलेस ही फ्लू अवे। वो बोलते हैं तुम्हें भी उड़ना चाहिए, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। और वो कभी भी वहाँ से हिलना नहीं चाहता। दैट वॉज द 24 आवर्स अगो। 24 घंटे बीत जाने के बाद, सिंस दैन नो बडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई भी नहीं आता। दे डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, और वो पूरा समय ऐसे ही बिताता है। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर। वो क्या देखता है कि उसके पिताजी और माँ वो हवा में, और उसके भाई बहन वो सभी उड़ते हैं। हाउ टू डाइव अ फिश, वो किस तरीके से मछली को पकड़ते हैं। ही हैड टू फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हिरिंग एंड डेवोर इट। वो किस तरीके से उसमें समुद्र में से मछलियों को पकड़ते हैं, कैचिंग करते हैं, और किस तरीके से वो उड़ते हैं, वो सारी चीज़ वहाँ से देखता है। और देन वो क्या करता है, ये आप देखोगे ये पिक्चर्स। वो समय आ जाता है बच्चों जिस समय की वो क्या करते हैं, द सन वॉज नाउ द असेंडिंग द स्काई। सन क्या होता है, पूरा स्काई में आ जाता है। ब्लेजिंग ऑन हिज एज दैट फेस द साउथ, और उसका फेस साउथ की तरफ था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज द ही हैड नॉट ईटन सिंस प्रीवियस नाइटफॉल, और वो रात से कुछ भी खाना नहीं खाया होता है, इसीलिए उसको बहुत भूख लगती है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू ब्रिंक ऑफ लीच, वो धीरे धीरे लीच के किनारे पे जाता है। देन स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन, वो छुपा के अंडर हिज विंग्स छुपा रखता है। ही क्लोज वन आइज, और वो धीरे से जैसे डर नहीं लगता है उसको बंद करके वो देखता है, ठीक है ना। और ये रहा आपका, देखिए ये जो है सिली सीगुल जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे धीरे से, और यहाँ पे, और वो शोर मचाता है, आवाज़ करता है। सडनली उनकी मदर आती है। मदर स्टिल दे टुक द नो नोटिस ऑफ हिम। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लेइंग ऑन प्लेट्यू डूइंग विद दियर हैड्स संक इन टू द नेक्स। हिज फादर वॉज प्रिंग द फादर्स ऑन वाइट बैक, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, बस उसकी माँ उसको देखती है। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन लिटिल हाई हम ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। नाउ अगेन सी टोर एट अ पीस, वो क्या करती है, एक मछली का पीस उसकी ओर लेकर आती है। लेकिन सी साइट ऑफ फूड मैडनेट हिम, हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। वो उसको बहुत भूख लगती है मछली को, और माँ उसके करीब आती रहती है, तो वो माँ को देखते के साथ ही कौन सी आवाज़ निकालता है, गागा गागा करता है, ठीक है ना। तो जैसे ही वो फूड को देखता है तो क्या करता है, गागुल आ सी स्क्रीम्ड बैक द डिस्ट्रॉयड। वो उसकी माँ वहीं पर रुक जाती है, और फिश को फ्लाइंग अक्रॉस हिम तो जैसे देखती है, जैसे ही वो फिश को पकड़ने के लिए माँ उसके पास आगे पहुँचती है, तो वो नीचे की ओर जैसे ही वो गिरता है, और वो क्या करता है, जैसे ही वो नीचे की ओर जाता है, और वो सीधा ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। और ऊपर उड़ने के बाद वो क्या करता है, आसमान में वो उड़ना शुरू करता है, और उसको वो रियलाइज़ होता है, वो उसको इंजॉय करता है। बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, सी हैटेड द विंग्स टू पीस ऑफ फेस ऑफ हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच्ड हिज बीक। और वो अचानक से जैसे उसको देखता है, तो उसी के कारण वो क्या करता है, तो द नेक्स्ट मोमेंट फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड टूवर्ड्स दे विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और वो उसकी छाती से निकलते हुए हवा निकल जाती है, और वो हवा को चीरते हुए आसमान में उड़ता रहता है। और वो क्या करता है, ही कुड फील टिप्स ऑफ विंग्स कटिंग थ्रॉट द एयर, ही वॉज नॉट फॉलिंग। He was not falling.
वो कहता है गा 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 हिज मदर सो पास्ट इन, और उसके माँ बहुत खुश होती है और वो इस तरीके से उड़ना सीख जाता है। और हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, दे वर बिकॉइंग ऑफ हिम कॉलिंग श्रीली, ही ड्रॉप्ड हिज लैग टू स्टैंड ऑन ग्रीन। वो जैसे ही पानी में पैर रखना चाहता है तो वो डूब जाता है, तो उसको तुरंत ही याद आता है, और उसकी माँ उसको जो मछली दिखाती है तो वो डूबने से उसको क्या करता है, वो ऊपर उड़ने लग जाता है उसको देखते ही, वही एक्साइटेड बहुत ज़्यादा होता है। और हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, डूबते हैं तो उसके बाद वो क्या करता है, बैली टच इन टू एंड सैंक फादर, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अराउंड हिम टू फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, हिम टू ब्रिक्स वर ऑफरिंग हिम टू स्क्रैप टू डॉग फिश, ही हैड टू मेड फर्स्ट फ्लाइट। और यह उसकी पहली उड़ान होती है। तो आगे बच्चों हम और जानेंगे दूसरी स्टोरी के बारे में, तब तक हम इसको करेंगे। और ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई, क्यों डरता था, उसको क्यों डर लगता था, क्योंकि जो मील थी वो काफ़ी दूर थी और उसको गहराई को डीप को देखकर उसको डर लगता था। तो इस तरीके से हम आगे जानेंगे बच्चों, आपका जो पायलट जब लॉस्ट हो जाता है उसका फ्लाइट क्लाउड में, तो वो किस तरीके से सेफ पहुँचता है। तब तक के वीडियो देखते रहिए, यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू।